बाड़सा के नज़दीक एनसीआर नहर में डूबे दो व्यक्तियों का 24 घंटे के सर्च अभियान के बाद भी नहीं लगा पता। बाड़सा पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों का सर्च अभियान लगातार जारी। बाड़सा एनसीआर नहर में रंग रोगन पेंट का काम करने वाले 3 व्यक्ति बाड़सा के नज़दीक शुक्रवार शाम को नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के क्वार्टरों के पास दोराला रोड को जाने वाले पुल पर नहर में नहाते समय डूब गए। इन तीनों में से राहगीरों, पुलिस व अन्य लोगों द्वारा एक को बचा लिया गया, जबकि 2 अन्य का 24 घंटे के सर्च अभियान के बाद भी कोई पता नहीं चल सका। बाड़सा पुलिस और एनडीआरएफ भौंडसी की टीमें दोनों की नहर में खोज के लिए सर्च अभियान चलाए हुए हैं। मामले की जानकारी देते हुए बाड़सा चौकी प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि गोबाना गांव में रंग रोगन पेंट का काम कर रहे 3 दिल्ली के नरेला निवासी सुनील उम्र 40 वर्ष, अभिषेक उम्र 26 वर्ष निवासी नरेला, कम्मू उम्र 42 वर्ष निवासी नरेला, बाड़सा के नज़दीक एनसीआर नहर में शुक्रवार शाम को नहाने के लिए उतरे। इसी दौरान तीनों नहर में डूबने लगे। सुनील को राहगीरों, पुलिस व अन्य लोगों द्वारा बचा लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुनील से सारे मामले की पूछताछ की और अभिषेक व कम्मू की खोज के लिए नहर में सर्च अभियान शुरू किया गया। काफ़ी खोजबीन के बाद भी शुक्रवार को नहर का कोई भी पता दोनों का नहीं चल सका। रात होने व सर्दी बढ़ने के कारण शुक्रवार को सर्च अभियान रोकना पड़ा। शनिवार सुबह एनडीआरएफ की टीम व बाड़सा पुलिस के जवानों द्वारा एक बार फिर से सर्च अभियान चलाया गया। चौकी प्रभारी ने कहा कि सारा दिन चले सर्च अभियान के बाद भी दोनों अभिषेक व कम्मू का कोई पता नहीं चल सका। रविवार को एक बार फिर सर्च अभियान चलाया जाएगा, जब तक दोनों को खोज नहीं लिया जाता अभियान लगातार जारी रहेगा।